बांग्लादेश वर्सेस पापुआ न्यूगिनी के बीच मैच नंबर 9 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का आप सभी को बता दें क्वालिफाइंग मुकाबले खेले जा रहे हैं, जहां सुपर 12 में आगे आने के लिए सभी टीमें जद्दोजहद करती नजर आ रही हैं। जो बची हुई 8 टीमें हैं उनमें से कोई 4 ही टीम दोस्तों आगे क्वालिफाइंग राउंड से सुपर 12 में जगह बनाती नजर आएगी। लेकिन बांग्लादेश, श्रीलंका ये कुछ ऐसी टीम है जिन पर सभी देशों की निगाहें हैं कि अगर ये नीचे से उठकर ऊपर आती हैं तो आगे आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में बाकी टीमों की राहें थोड़ी मुश्किल कर सकती हैं। तो वहीं बांग्लादेश की बात करें तो पिछले मुकाबले बड़ी जानदार तरीके से उन्होंने वापसी की थी। वो मुकाबला दोस्तों जल्दी भुलाया नहीं जा सकता क्योंकि ओमान के साथ था और ओमान के मैदान पर ही था, वो दिलचस्प नजारा था। अब बात करें बांग्लादेश वर्सेस पीएनजी के मैच नंबर 9 ग्रुप बी के, तो सबसे पहले दोस्तों यहां ग्राउंड की बात की जाए, ग्राउंड दोस्तों आज का था अल अमीरात क्रिकेट ग्राउंड मिनिस्ट्री टर्फ 1 का, जहां पर दोस्तों वैसे तो ओमान की पकड़ इस मैदान पर ज्यादा अच्छी है, लेकिन पापुआ न्यूगिनी की बात करें तो ये दोस्तों कई सालों के बाद टीम आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबलों में वापसी करती नजर आई है। अब वापसी के साथ साथ यहां पर इनका दोस्तों अगर प्रदर्शन पर नजर डालें तो शुरुआती जो इनके लिए 2 मुकाबले रहे वो दोनों ही हार का सामना करना पड़ा। दोनों मुकाबले एक स्कॉटलैंड ने हराया, एक ओमान ने हराया, अब तीसरा मुकाबला बांग्लादेश से है और बांग्लादेश से भी हार की कगार पर है, क्योंकि मैच नंबर 9 ग्रुप बी के फर्स्ट इनिंग के दौरान दोस्तों मैदान पर आया बांग्लादेश के खिलाड़ियों के बल्ले से रनों का तूफान। खासकर शाकिब अल हसन और कप्तान महमूदुल्ला ने सबको काफी प्रभावित किया। आइए नजर डालते हैं प्लेइंग 11 पर, टॉस पर और साथ ही साथ इसके फर्स्ट इनिंग के स्कोर कार्ड पर। बांग्लादेश की प्लेइंग 11 थी दोस्तों आज मोहम्मद नईम, लिटन दास, मेहदी हसन, शाकिब अल हसन द ऑलराउंडर खिलाड़ी, नूरुल हसन विकेट कीपर, बल्लेबाज आफिफ हुसैन, महमूदुल्ला जो कप्तान है इस टीम के, मुशफिकुर रहीम, मोहम्मद सैफुद्दीन, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान। बेंच पर थे शोरफुल इस्लाम, शमीम और साथ ही साथ इनके अन्य साथी खिलाड़ी भी बेंच पर थे, जिसमें नसूम अहमद और सौम्य सरकार भी हैं। वहीं पीएनजी की बात करें तो लेगा सियाका, असद वाला जो इनके कप्तान हैं, चार्ल्स एमिनी, सैसे बउआ, सीमन अटाई, हीरी हीरी, नॉर्मन वनुका, केपलिन डोरिगा, चैड सोपर, कबुआ मोरे, डेमिनी रेव्यू, यानी कि जो भी खिलाड़ी मौका नहीं पाए थे पिछले 2 मुकाबले में उनको आज मौका देती नजर आई पापुआ न्यूगिनी की टीम, असद वाला ही कप्तानी करते नजर आए। टॉस बांग्लादेश ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दिन का यह मुकाबला स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, डिजनी प्लस, हॉटस्टार पर आप सभी को लाइव देखने को मिल सकता है। लेकिन दिन वाले इस मुकाबले में दोस्तों शुरुआत में ज्यादातर टीमें पहले बल्लेबाजी करना पसंद करती हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी को भी ध्यान में रखा जाता है। अब पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम के लिए मुसीबतें तब खड़ी हो गई जब पहले ओवर की दूसरी गेंद पर ही मोहम्मद नईम, जो पिछले मैच के हीरो साबित रहे थे, खतरनाक पारी खेली थी उन्होंने, करीब 60 रन से प्लस की वो पारी भुलाई जा सकती, जिसमें 50 गेंदों में 64 रन बनाए थे 3 चौके 4 छक्के की मदद से, आज मैच की दूसरी ही गेंद पर आउट हो गए तो यहाँ बांग्लादेश को बड़ा झटका लगा। लेकिन उसके बाद आज यहाँ पर लिटन दास और शाकिब अल हसन ने मैच को संभाला। शाकिब अल हसन की जितनी तारीफ करें उतनी कम है, आज के मैच में इन्होंने चौका एक भी नहीं लगाया, फिर भी इन्होंने 37 गेंदों में 46 रन की पारी खेल दी। चौका ना लगाते हुए इन्होंने 3 छक्के लगाए आज के मुकाबले में। वहीं बात करें सामने इनके खड़े लिटन दास की, तो उन्होंने दोस्तों 23 गेंदों में 29 रन की पारी खेली, जहां पहला विकेट बिना खाता खोले टीम का गिर गया था, तो वहीं दूसरे विकेट के लिए पार्टनरशिप 50 रन तक की बनी, जहां 8वें ओवर की पहली गेंद पर लिटन दास का विकेट गिरता है 29 रन पर और यहां पर कप्तान असद वाला इनका विकेट लेते हैं, सैसे बउआ कैच पकड़ते हैं शानदार तरीके से, एक चौका एक छक्का लिटन दास की इस पारी में था। शाकिब अल हसन दूसरे छोर से जारी थे और मुशफिकुर रहीम उनका साथ देने के लिए आते हैं, जहां 11वें ओवर की दूसरी गेंद तक 22 रन की पार्टनरशिप इन दोनों बल्लेबाजों के बीच बनती है। अब मुशफिकुर रहीम दोस्तों 8 गेंदों में 5 रन बनाकर सीमोन अटाई की गेंद पर हो जाते हैं आउट और कैच पकड़ते हैं हीरी हीरी। दूसरी तरफ दोस्तों अब कप्तान महमूदुल्ला आते हैं शाकिब अल हसन का साथ देने के लिए। शाकिब अल हसन यहां पर काफी अच्छी पारी खेले थे, लेकिन 14वें ओवर की चौथी गेंद पर दोस्तों शाकिब अल हसन 37 गेंदों में 46 रन बनाकर होते हैं आउट, 3 छक्के इनकी इस पारी में थे और कप्तान असद वाला के खाते में दूसरी विकेट जाती है, चार्ल्स एमिनी पकड़ते हैं यह शानदार कैच। अब दूसरे छोर से कप्तान महमूदुल्ला की बारी थी कि वो ताबड़तोड़ पारी खेलें, तो 14वें ओवर की चौथी गेंद पर दोस्तों 101 रन पर यहां पर टीम का स्कोर विकेट गिर गया था चौथा, उसके बाद महमूदुल्ला ने ताबड़तोड़ पारी खेलना शुरू करी जो 18वें ओवर की दूसरी गेंद तक 144 के स्कोर तक ले गए। इन्होंने अपनी 28 गेंदों की पारी में 50 रन बनाए, 3 चौके 3 छक्के महमूदुल्ला के बल्ले से आए, मतलब एक कप्तानी पारी, जब टीम को जरूरत थी तो महमूदुल्ला ने वो करके दिखाया जो इनसे चाहिए था। डेमिनू रवियू ने इनका विकेट लिया, कैच पकड़ी थी चैड शोपर ने, उसके बाद आफिफ हुसैन ने दोस्तों लास्ट में पारी को निखार दिया, 14 गेंदों में 21 रन की पारी आफिफ हुसैन ने खेली 3 चौके की मदद से, कबुआ मोरिया ने इनका विकेट लिया था और कैच पकड़ी थी डेमिन रवियू ने। नूरुल हसन बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, लेकिन 17वें ओवर में ही दोस्तों हमको देखने को मिला 18वें ओवर में कि दूसरा विकेट गिर गया था टीम का उसी ओवर के अंदर, नूरुल हसन बिना खाता खोले गोल्डन डक पर हो गए थे आउट। लास्ट के ओवर का पूरा इस्तेमाल दोस्तों यहां पर कह सकते हैं कि
मोहम्मद सैफुद्दीन ने उठाया, क्योंकि अगर देखा जाए तो 19वें ओवर जब खत्म हुआ था तो टीम का स्कोर 161 था और अगर स्कोर कार्ड देखा जाए तो 181 दिखा रहा है, यानी कि लास्ट के ओवर में 20 रन बटोरे मोहम्मद सैफुद्दीन और मेहंदी हसन ने। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपको आखिरी के ओवर रोमांच की तरफ लेकर चले, जो फर्स्ट इनिंग के दौरान का आखिरी ओवर था, तो आपको बता दिया कि 20 रन यहां पर कम थे 181 बनने में। पहली गेंद पर सिंगल लिया, दूसरी गेंद पर सैफुद्दीन ने सिंगल लिया, फिर तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं आया, चौथी गेंद पर फिर सिंगल लिया, पांचवीं गेंद पर एक करारा छक्का लगाया, छठी गेंद पर यहाँ पर एक छक्का लगाया, वो 9 बॉल थी, तो 9 बॉल का फायदा उठाते हुए एक अतिरिक्त रन वो मिला प्लस छक्का। उसके बाद आखिरी गेंद पर सैफुद्दीन ने यहाँ पर चौका लगाकर टीम का स्कोर 181 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना दिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए बांग्लादेश के नजरिए से फर्स्ट इनिंग का स्कोर काफी ताबड़तोड़ रहा, जिसमें कप्तान महमदुल्ला की 28 गेंदों पर 50 रन की पारी 3 चौके 3 छक्के की मदद से, शाकिब अल हसन की 37 गेंदों में 46 रन की पारी 3 छक्के की मदद से, लिटन दास ने 23 गेंदों पर 29 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। वहीं अगर विकेट की बात करें तो कबुआ मोरे ने 4 ओवर में 26 रन देते हुए 2 विकेट झटके, दैमिनी रघु ने 4 ओवर में 40 रन देते हुए 2 विकेट और असद वाला ने 3 ओवर में 26 रन देते हुए 2 विकेट। तो वहीं दूसरी तरफ 1 ओवर में 6 रन देते हुए 1 विकेट सीमोन अटाई ने भी झटका। लेकिन सबसे महंगे जो गेंदबाज रहे वो रहे चैड सोफर, 4 ओवर में 53 रन चैड सोफर ने दिए। चलिए दोस्तों अब आपको लेकर चलते हैं पॉइंट्स टेबल की तरफ की, क्वालिफाइंग मुकाबलों की पॉइंट्स टेबल क्या कहती है। ग्रुप बी से दोस्तों अगर बात करें, ग्रुप बी स्कॉटलैंड ओमान बांग्लादेश, ये 3 टीम है जो अभी भी दावेदार है सुपर 12 में पहुंचने की, लेकिन स्कॉटलैंड का लगभग पक्का हो चुका अगर देखा जाए एक नजरिए से, क्योंकि स्कॉटलैंड और ओमान का अगला मुकाबला है, वहां जो जीतेगा ये तो कंफर्म है कि उनमें से एक टीम सुपर 12 में जाने वाली है। लेकिन अगर ओमान जीत जाती है और आज दिन वाला मुकाबला बांग्लादेश हार जाती है तो दोस्तों स्कॉटलैंड और ओमान हमें आगे सुपर 12 में जाती नजर आ सकती है। पापुआ निगिनी के हाथ में है कि वो कहीं बांग्लादेश का खेल ना बिगाड़ दे। बांग्लादेश तो दोस्तों कहीं ना कहीं पहुंचने की कगार पे है ही, क्योंकि अगर आज के मुकाबला अच्छे नेट रन रेट के साथ जीतती है तो उनके पास चांस ज्यादा होगा कि स्कॉटलैंड अगला मुकाबला जीत जाए और ओमान अगला मुकाबला हार जाए, या ओमान अगला मुकाबला जीत भी जाती है तो बांग्लादेश का नेट रन रेट इतना मजबूत हो कि वो बांग्लादेश के 2-2 पॉइंट्स मतलब 4 पॉइंट्स की बराबरी तो कर ले, लेकिन नेट रन रेट के यहां पर फर्क और फिर बांग्लादेश पीछे छूट जाए और ओमान आगे निकल जाए, या बांग्लादेश आगे निकल जाए और ओमान छूट जाए। मतलब यहां पर अब नजरें नेट रन रेट पर भी रहेंगी, साथ ही साथ स्कॉटलैंड बढ़िया फॉर्म में नजर आ रही है, तो देखते हैं कि कहीं स्कॉटलैंड अपने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी गेंदबाजी के दम पर ही कहीं ओमान को बाहर ना कर दे। लेकिन एक कठिन सिचुएशन यह है दोस्तों स्कॉटलैंड के सामने कि ओमान का यह घरेलू मैदान है, यानी कि उनका अपना घरेलू मैदान ओमान की सरजमी, तो शायद वो इस पर हारना ना चाहें और यहां से आगे सुपर 12 में बढ़ना चाहें। अब दोस्तों आपकी कंफ्यूजन दूर करते हैं कि कौन सी टीम कौन से ग्रुप से जुड़ेगी। सुपर 12 के ग्रुप एक की बात करें तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज है जो ग्रुप एक से दोस्तों नंबर 1 पोजीशन पर क्वालिफाइंग मुकाबले का अंत करेगा वो इस ग्रुप से जुड़ेगा, और ग्रुप बी से जो दूसरे नंबर पर रहेगा वो जुड़ेगा। और वहीं सुपर 12 ग्रुप 2 की बात करें तो भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान है। ग्रुप बी 1 में जैसा अगर स्कॉटलैंड रही ऊपर पे तो ग्रुप बी 1 में ग्रुप 2 में जगह पाएगी बी 1 से, और ग्रुप ए 2 से यहां पर जगह पाएगी ग्रुप 2 में। तो मतलब कुल मिलाकर देखा जाए मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग है, आगे और भी खतरनाक टीमें इनका इंतजार कर रही हैं। अब 182 रन चेस करना है पापुआ निगिनी को 120 गेंदों में, देखते हैं यहां पर बांग्लादेश कितनी जल्दी इस मुकाबले को जीतती है या पापुआ निगिनी आज मुकाबला खराब कर देगी बांग्लादेश का। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार पर मैच नंबर 9 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का आप लाइव देख सकते हैं।